हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रिपल जी उच्चारो हिंदी उर्दू पे। और आज मैं रीडिंग करूँगी पिक अ कार्ड 2022। आपका ये जो साल होगा उसकी साल की प्रेडिक्शन, कि आपकी एक किस्म का, मैं वैसे जोडिक साइंस के बारे में भी करूँगी डिफरेंटली, कि आपके जोडिक साइंस के लिहाज से साल कैसा रहेगा। लेकिन इस ये पिक अ कार्ड है, ठीक है, कि 2022 में आपके साथ क्या होने वाला है, आपकी लव लाइफ, कैरियर, हेल्थ, आपका सक्सेस, जो भी है, जो भी कार्ड से रिलेटेड आएगा, हम लोग लाइव देखेंगे और प्रिडिक्ट करेंगे कि क्या चीज़ आपकी लाइफ में पॉसिबल है, ठीक है, और आप किस डायरेक्शन में जाओगे और आप किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करोगे। ये वाला जो ईयर है वो आपकी लाइफ में क्या चीज़ें लेके आएगा और आप क्या चीज़ें एक्सपीरियंस करोगे, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए गुड ईयर होगा, कुछ लोगों के लिए बैड होगा, बिकॉज दिस इज़ रियलिटी ऑफ लाइफ। तो हमें एक्सपीरियंस तो करना ही पड़ेगा, चाहे वो अच्छा है या बुरा। तो लेट्स सी, आपको ताकि प्रिपेयर्ड रहो आप, कि आपकी लाइफ में जब हो ये चीज़ या आपके सामने ये चीज़ आए तो आप उस वक्त क्या करोगे। सो ये एक जनरल रीडिंग है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। अगर कोई चीज़ आपके साथ रेजोनेट नहीं करी, आपके साथ आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो उसके साथ मैच नहीं करी, इट्स डेफिनेटली पॉसिबल, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। यू कैन डेफिनेटली watch out my other readings or you can watch out other channels, so you are free to do anything. So aapke samne char card hai, yahan pe char pile hai, 1, 2, 3 and 4 piles, aur aapne apni date of birth ke lihaz se choose karna hai, aur aapko definitely already thumbnail mein nazar aa raha hoga picture mein, to aapne apni date of birth ke lihaz se apna sign choose karna hai, apna card choose karna hai, kyunki usi aapki date of birth ke lihaz se main yahan pe predict karungi ki aapke liye next year kya karke kahan pe hoga और आपको एडवाइस की क्या ज़रूरत है, कहाँ पे आपको तरक्की मिलेगी, कहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, एवरीथिंग, एवरी डिटेल, जो चीज़ भी यहाँ पे प्रिडिक्शन होगी, जो चीज़ नज़र आएगी कार्ड्स में, ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू टेल यू। सो आपने भी क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए मेरे चैनल पे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, स्पेशली जो मैंने हिंदी उर्दू लोगों के लिए बनाया है, ताकि आप अपनी लैंग्वेज में उस चीज़ को समझ सको, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर वन, जिनकी डेट ऑफ बर्थ ये है, ठीक है, आपने ये चूज़ किया है, तो दिस इज़ अ कार्ड नंबर वन, तो वेलकम ऑन योर रीडिंग। तो देखते हैं कि आपकी थीम क्या होगी पूरे साल की। वी हैव अ प्रोफेशनल असिस्टेंट, ओके, सो आपका ये जो पूरा जो साल होगा वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे ज़्यादा होगा फोकस। आप एक प्रोफेशनल असिस्टेंट भी बन सकते हो, या आप ऑलरेडी इस तरह की जॉब कर रहे हो तो आप एक प्रोफेशनल बन जाओगे। आप एक ऑलरेडी एक असिस्टेंट के तौर पे या कहीं पे आप हेल्पर के तौर पे आप जॉब कर रहे हो, तो ये वाला जो ईयर है वो आपको मज़ीद जो है वो प्रोफेशनल चीज़ों की तरफ लेके जाएगा। आपके ऊपर आप शायद टीचर बनो, आप गाइड बनो, आप हो सकता है प्रोफेसर बनो, या आप किसी की हेल्प लो। इस तरह के जो लोग हैं ऑलरेडी वो आपको गाइड करेंगे कि क्या करना है। हो सकता है आप लॉ की फील्ड से हो, ठीक है, आप टीचिंग की फील्ड से हो, या जो भी फील्ड है आपकी, डेफिनेटली ये ईयर आपका प्रोफेशनल कैरियर होगा और प्रोफेशनल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस होगा। अब देखते हैं कि एस्ट्रोलॉजी ईयर क्या बताता है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी बहुत मैटर करती है। और अब हम देखेंगे कि कौन सा ये जो ईयर है जिन लोगों ने कार्ड नंबर वन चूज़ किया है, तो आपकी जो ईयर की थीम होगी वो क्या है, और आपके क्या प्लैनेट्स कौन से आपके ईयर पर ज़्यादा जो है वो डोमिनेंट होंगे और वो आपकी लाइफ में क्या लेके आएंगे। लेट्स सी, आई विल डेफिनेटली सी, हाउस हो गया, साइन हो गया या प्लैनेट्स हो गए, तो हमें पता चल जाएगा। सो वी हैव द फोर्थ हाउस, तो इसी तरह से आपको समझ आएगी ना फिर एस्ट्रोलॉजी की भी, क्योंकि मैं आप लोगों को डेफिनेटली गाइड करना चाह रही हूँ, और बहुत जल्द एस्ट्रोलॉजी के डिफरेंट हाउसेज, सन, प्लैनेट्स, उनके बारे में भी मैं डिफरेंटली वीडियो बनाऊंगी, ताकि आपको गाइड करने के लिए। लेट्स सी वन मोर, एंड वी हैव अ मर्करी, या आपका मर्करी शायद फोर्थ हाउस में हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन ये वाला जो ये है इस साल का जो आपका प्लैनेट होगा वो मर्करी ज़्यादा आप पे फोकस होगा, और वो है कम्युनिकेशन। ज़रूरी नहीं है कि आपका मर्करी आपको डोमिनेट करेगा, लेकिन ये वाला ईयर, क्योंकि मैं प्रेडिक्शन कर रही हूँ, रीडिंग कर रही हूँ, ये वाला साल आपके सारे प्रोफेशनल असिस्टेंट्स आपके कम्युनिकेशन पे बेस्ड करेगा। आपकी एजुकेशन है, आपकी स्टडी है, आप किस तरह लोगों से कम्युनिकेट करते हो, आप किस तरह लोगों के साथ बात करते हो, किस तरह डील करते हो, किस तरह आपका बिजनेस चलता है, किस तरह आप कैरियर में जाते हो, आपका माइंड कितना स्मार्ट है, आप अपनी स्किल को किस तरह से प्रूव करना चाहते हो, ठीक है। आप हो सकता है कि इस तरह की प्रोफेशनल फील्ड में जाओ जहाँ पे माइंड बहुत एक्टिव होना चाहिए, आपको इस तरह की स्पीच करनी चाहिए, बात करनी चाहिए, ताकि लोग आपकी इस कम्युनिकेशन स्किल से आपको अंडरस्टैंड कर सकें कि आप कितने स्मार्ट हो, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज़ भी आ रही है कि इस साल जो ये जो साल है वो सारा आपका प्रोफेशनल स्पीकिंग पे हो सकता है, ठीक है, आपके कम्युनिकेशन स्किल पे होगा, कि जो भी आप जॉब सिलेक्ट करोगे या कैरियर आप जिसमें जाना चाहते हो, एजुकेशन फील्ड भी हो सकती है कि आप ऐसी कोई चूज़ करो जिसमें डेफिनेटली माइंड बहुत एक्टिव होना चाहिए, स्मार्ट लोगों का वहाँ पे होना है, तो हो सकता है लॉ है, क्रिमिनल जस्टिस है,
गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, प्रोफेशनल जॉब्स हैं, ठीक है, मैनेजमेंट्स की फील्ड्स हैं, या जैसी भी आप जिस फील्ड में भी जाते हो, तो आपका जो प्लैनेट इस साल जो बहुत एक्टिव रहेगा, जिनका कार्ड नंबर 1 है, वो मरकरी है. नाउ नेक्स्ट इज द फोर्थ हाउस. हमें पता है फोर्थ हाउस क्या होता है, इट्स ऑल अबाउट आवर होम. तो आप में से काफ़ी सारे लोग, हो सकता है कि आपको इस साल चैलेंजेस फेस करने पड़े, कि आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है. फोर्थ हाउस हमारी कंफर्ट जोन होती है. हम ऐसी चीज़ें करते हैं जो हम, मतलब हमारे जो रूट्स हैं, जो हमारा ट्रेडिशन है, हमारा रिलीजन है, हमारा कल्चर है, हमारी फैमिली है, हमारी मदर है, मदरहुड है, या ऐसी चीज़ें जो हमारे फैमिली से कनेक्टेड होती हैं, राइट? तो आपको हो सकता है कि इस चीज़ों में ट्रबल फेस करनी पड़े. यही आपका चैलेंज हो सकता है कि आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर ही निकलना है, तभी जाके आपको ये चीज़ मिलेगी. हो सकता है कि आप कुछ घर बैठे ही कुछ ऐसा बिजनेस स्टार्ट करो जो आपको हेल्प करे. आप हो सकता है घर बैठे ही डिग्री लो, मतलब ऑनलाइन कुछ डिग्री आप करो, घर से बैठे ही आपको प्रोफेशनल डिग्री मिल जाए, या आप कोई ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करते हो, ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करते हो. फोर्थ हाउस क्योंकि सिटिंग इन द होम, तो आप डेफिनेटली कुछ ऐसी चीज़ है जो घर पे बैठ के ही आप कर सकते हो, या घर से रिलेटेड हो सकती है, या जैसे आपकी इर्द गिर्द जहाँ पे आप जिस सिटी में हो, जिस एरिया में हो, वहाँ पे ये चीज़ आपको ज़्यादा कम्युनिकेटिव मिलेगी. फोर्थ हाउस ये भी बात करता है कि इस साल आपका फैमिली के साथ कम्युनिकेशन भी ज़्यादा रहेगा, आपको एक्सप्रेस करना चाहिए. आप ज़्यादातर अब क्लोज़ रहोगे अपनी फैमिली के साथ, मदर के साथ, सिबलिंग के साथ, उनके साथ आपका क्लोज़ रिलेशनशिप भी रहेगा इस साल, ठीक है? वो चीज़ या तो चैलेंजिंग लेके आएगी आपके लिए, या आपको ज़्यादा कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी उनसे बात करने की. कोई प्रॉपर्टी का इशू भी हो सकता है, ठीक है? तो वो आपने मिलजुल के बैठ के उस इशू को सॉल्व करना है, अगर बहन भाइयों के साथ है, या फैमिली के साथ है, या मदर के साथ है, ठीक है? और आपको कुछ लोग, आपके लिए ये आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा कि आप अपने अंदर डीप डाउन जो है वो सर्च करोगे कि आपको क्या चाहिए. सो आप इनवर्ट जाओगे, इंट्रोवर्ट, मतलब आपकी फीलिंग्स हो जाएंगी, कि आप सोचना चाहोगे कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है और आपको क्या करना चाहिए. कुकिंग फील्ड से भी आपकी कोई जॉब हो सकती है, कि आप घर बैठे ही कोई ऐसा चैनल खोलते हो, या ऑनलाइन क्लासेस देते हो कुकिंग की, होम से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड. आप में से काफ़ी सारे लोग अपनी हैबिट्स को भी चेंज करोगे, ठीक है, इस साल. नाउ लेट्स सी मज़ीद क्या है आप लोगों के लिए, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, कार्ड नंबर 1. ये ईयर आप लोगों के लिए और क्या लेके आएगा? सो वी हैव द पोस्टपोनमेंट, या हो सकता है कि कोई चीज़ें ऐसी आप करना चाहो वो पोस्टपोन हो जाएं, ठीक है? तो आपकी कोई प्लान्स हैं या आपके ड्रीम्स हैं, ठीक है, वो पोस्टपोन हो जाएंगे, लेकिन आपने गिव अप नहीं करना है. कीप कम्युनिकेटिंग विद दिस पीपल, ठीक है? फिर हमारे पास है फाइटिंग, या ये वाला ईयर आपके लिए काफ़ी फाइटिंग होगा, या फाइटिंग से आपने बचना है, ठीक है? तो फाइट्स हो सकती हैं, जैसे मैंने कहा, घर में हो सकती हैं, फैमिली से हो सकती हैं, सिबलिंग से हो सकती है, किसी तरह की भी फाइट हो सकती है, उस चीज़ को आपने अवॉइड करना है. वो किसी टॉपिक पे भी हो सकती है, घर के रिलेटेड चीज़ों पे भी हो सकती है, इश्यूज भी हो सकते हैं, तो वो चीज़ों को आपने चेंज करना है. लेकिन ये आपका फाइटिंग स्पिरिट भी होना चाहिए, कि आपको गिव अप नहीं करना है, जो चीज़ आपको चाहिए वो आपको मिल के रहेगी, ठीक है? आप ऐसे काफ़ी सारे लोग, हो सकता है आप कोई अपनी सेल्फ केयर पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए. आप में से काफ़ी सारे लोगों को हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे फोर्थ हाउस आ रहा है, आपके रूट्स हैं, आपका आपको कम्युनिकेशन में एक्सप्रेस करने में डिफ़िकल्टी होती है. आपको शायद एंगर इश्यूज भी हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा, अपनी हैबिट्स को चेंज करना है. ये वाला साल आपके अपने अपने बारे में ज़्यादा डीप इंट्रोस्पेक्शन है, कि कहाँ क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, किन चीज़ों पर फोकस करना है. एंड वी ऑल्सो हैव नथिंगनेस, या तो अगर आपको ये फील होगा कि कुछ नहीं हो रहा, कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, तो क्योंकि जो चीज़ आप करना चाह रहे हो सकता है फैमिली अगेंस्ट हो उस चीज़ के, या जो जो चीज़ आप पोस्टपोन हो रही है फैमिली की तरफ से, या कोई और इश्यूज आ रहे हैं, या फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल रही है फैमिली की तरफ से, ये भी हो सकता है, या वी हैव आइसोलेशन. सो दिस ईयर इज़ ऑल अबाउट यू, ओके? आप इंट्रोस्पेक्शन में जाओगे और एक एक किस्म की रिबर्थ होगी आपकी, ठीक है? ये रिबर्थ का ईयर है आपका, कि आपने अपने आप को चेंज करना है, अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, अपने आप को फैमिली से हट के सोचना है, क्योंकि अब आप आउटर वर्ल्ड में निकलोगे, दुनिया में निकलोगे, और आपको ये समझना है कि कैसे डील करना है. फिर आपको समझ आएगी जब आप बाहर लोगों से प्रोफेशनल तरीके से डील करते हैं, कि लोगों से डील कैसे करना है, अपनी फाइट्स को कैसे लड़ना है, अपने लिए कैसे स्टैंड आउट करना है. और आप में से काफ़ी सारे लोग विद दिस एनर्जी, हो सकता है कि आपको ये फील हो कि ये वाला ईयर आपके लिए काफ़ी आइसोलेशन का ईयर भी हो सकता है. आप में से काफ़ी सारे लोग इस ईयर में काफ़ी ब्लैक एंड वाइट आपकी फीलिंग होगी, ठीक है? इश्यूज हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा, फैमिली से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, ठीक है? नाउ लेट्स सी एनीथिंग एल्स.
लेकिन ये आपकी रिबर्थ है कि ये वाला ईयर आपको चेंज करेगा और आपने खुद को चेंज करना है, वरना आप उसी तरह ही एनर्जी से स्टक रहोगे जैसे आपको तरबियत दी गई है या जैसे आपको सिखाया गया है. अगर आपको चेंज चाहिए, यू हैव टू फाइट फॉर इट, यू हैव टू फाइट फॉर द चेंज. नाउ लेट्स सी एनीथिंग एल्स, अगर हम कोई चीज़ और देख सकते हैं यहाँ पे, या वी हैव अ पीस, तो आपको अपनी लाइफ में ये पीस खुद लेके आना है. आपका फोकस पीस पे होगा, सेल्फ केयर पे होगा, अपनी आइसोलेशन पे होगा, चेंज पे होगा, अपनी रिबर्थ पे होगा. एंड वी हैव अ ग्रैटिट्यूड, और आपको डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी मिलेंगी जिस पे आपको ग्रैटिट्यूड रखना है, थैंकफुल होना है, खुश होना है कि ये चीज़ मुझे मिली है. और अगर कोई चीज़ आपको अफेक्ट कर रही है तो उस चीज़ के लिए भी आपको ये चीज़ करना है कि उस चीज़ को फाइट नहीं करना है, ठीक है, पीस बनाए रखना है रिलेशनशिप्स में, फैमिली में. और आप अगर किसी तरह का भी कोई इंसिडेंट या कोई ऐसा वाक्य आपके साथ होता है नेक्स्ट ईयर, आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है कि वो चीज़ होनी ही थी, ठीक है, इट्स रिटन इन द डेस्टिनी. लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक्सेप्ट करने से ही आपकी लाइफ में पीस लाती हैं. अगर आप खुद को एक्सेप्ट नहीं करोगे, रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करोगे, उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो आप ट्रबल में ही रहोगे. तो ये वाला जो ईयर है, वो ईयर है आपके लिए पीस लेके आएगा. और एक्सेप्टेंस अपने लिए भी, लोगों को भी जैसे वो हैं वैसे एक्सेप्ट कीजिए, और ग्रैटिट्यूड में रहिए. जो चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज ला सकती हैं उनको चेंज करने की कोशिश कीजिए, जैसे कि आपकी हैबिट्स हो गई, लिविंग स्टाइल हो गया, सेल्फ केयर है, आइसोलेशन से निकलिए. अगर आप लोग कंफर्ट जोन में रहने के आदि हो या इंट्रोवर्टेड लोग हो, आपको तरक्की या सक्सेस वहीं मिलेगी जहाँ पे आपकी रिबर्थ होगी, जहाँ पे चेंज आपको फोर्स किया जाएगा कि अपने आप को चेंज करो, ठीक है. और आपको चेंज तभी मिलेगा जब आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे. सो ये आपकी रीडिंग है, दिस इज़ द ईयर थीम फॉर यू. हेलो कार्ड नंबर टू, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ ये है और आपने कार्ड नंबर टू चूज़ किया है, तो ये वेलकम ऑन योर रीडिंग. लेट्स सी कि आपकी पूरे साल की थीम क्या होगी. सो वी हैव द हीलिंग लाइट. ओके, आपका जो फोकस होगा वो स्पिरिट के साथ मोर कनेक्टेड होगा, क्योंकि यहाँ पे स्पिरिट है. और नंबर एट कुड बी इम्पॉर्टेंट, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है. आपका एट्थ इज़ आल्सो नंबर ऑफ चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है. और आप में से काफ़ी सारे लोग खुद भी एक हीलर हो सकते हो, आप गाइड हो सकते हो लोगों के लिए, तो आप भी चेंज लेके आओगे लोगों की लाइफ में, ठीक है. ये पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, लेकिन ज़्यादातर आप खुद ये हीलिंग लाइट बनोगे और आपका फोकस अपनी हीलिंग पे ज़्यादा होगा, ये चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है. नाउ लेट्स सी एस्ट्रोलॉजी डेक से कि आपकी थीम क्या है इस ईयर की, कहाँ पे चेंजेस पॉसिबल हैं और क्या होगा, कौन सा हाउस रूल करेगा या साइन, या ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कि वो आपके उसमें चीज़ में हो रहा हो, लेकिन ये वाला आपके चार्ट, क्योंकि हमारे पास हमारे चार्ट में जो पर्सनल चार्ट होता है उसमें सारे साइन होते हैं और सारे हाउस होते हैं, तो सारे प्लैनेट्स होते हैं. इट्स इम्पॉसिबल कि हमारे साइन में ये चीज़ नहीं है, ठीक है. लेकिन ये क्योंकि मैं प्रेडिक्शन कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली ये प्रेडिक्शन से मैच होगा. सो सिक्स हाउस, इस साल जो आपकी पूरी थीम है साल की, वो सिक्स हाउस पे ज़्यादा फोकस होगी, क्राफ्ट पे, वर्क पे, हीलिंग पे. या एंड वी हैव असेंडेंट, यस यस. तो आपका असेंडेंट सिक्स हाउस में हो सकता है, या आपका असेंडेंट विरगो हो सकता है, ठीक है, या आपका एरीज हो सकता है, आप एरीज हो, या आपका आप विरगो हो सकते हो. स्ट्रांग आपके चार्ट में है, सिक्स हाउस की प्लेसमेंट स्ट्रांग है. और नंबर सिक्स कुड बी इम्पॉर्टेंट और एट नंबर कुड बी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए इस साल में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ईयर. ओके, सिक्स हाउस हमें पता है क्राफ्ट होता है, वर्क होता है, हमारी हेल्थ होती है, तो और हीलिंग भी है जैसे मैंने आपसे कहा. तो ये वाला साल जो है वो आपकी हीलिंग, आपकी हेल्थ पे फोकस ज़्यादा होगा, आपके करियर पे फोकस होगा, आपके वर्क पे, आपकी ड्यूटी पे, आपकी स्पिरिचुअलिटी पे, ठीक है. और जो लोग आपसे एक आपका मेथड है, आप किस तरह लोगों के साथ वर्क करते हो, आप हो सकता है मेडिकल फील्ड से हो, ठीक है, ज़रूरी नहीं है, या आप इस फील्ड में जाओगे स्पिरिचुअलिटी या मेडिकल फील्ड में, हेल्थ रिलेटेड, डाइट से रिलेटेड, आप हो सकता है अच्छी डाइट करो. विद द असेंडेंट आउटलुक आपको डेफिनेटली एक यू विल ट्रांसफॉर्म योर बॉडी. हो सकता है आप अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करो, अपनी लुक को चेंज करो, आप अपने करियर को चेंज करो, आप अपने वर्क को चेंज करो, रूटीन को चेंज करो. तो ये वाला जो है ईयर, वो सब कुछ आपके बारे में है, लेकिन आपने हील करना है. और यहाँ पे स्पिरिट से रिलेटेड भी चीज़ें बहुत सारी हैं जो आप स्पिरिचुअलिटी कनेक्टेड हो गए. आप हो सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी वर्क करो, ठीक है. और यहाँ पे आपका आप हो सकता है कोई चैरिटी वर्क करो, या चैरिटी वाली जॉब्स हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें आपको अप्लाई करना पड़े शायद. वहाँ पे भी आपको शायद एक मेथड, एक स्किल के तौर पे आपको जाना पड़ेगा. आप हो सकता है इस साल कोई स्किल या मेथड भी सीखो जो आपकी लाइफ को चेंज कर देगा, एक एक्टिविटी, एक हॉबी, ठीक है. और मुझे यहाँ पे इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है, हो सकता है कि आपकी कोई एक आउटलुक चेंज हो जाएगा आपका दुनिया को लेके और दुनिया का आपको लेके. तो ये साल जो है आपके लिए काफ़ी चेंजिंग लेके आएगा, जिस तरह आप चीज़ों को देखते हो और लोग आपको देखते हैं, ठीक है. तो बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज होंगी. और यहाँ पे
वर्क से रिलेटेड, डाइट से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड बहुत चीज़ें चेंज हैं। हो सकता है आप इस साल कोई पेट भी अडॉप्ट करो, या आप खुद एक वेटरनरी डॉक्टर हो या बनो, ठीक है। सो ये आपके बारे में बात हो रही है, तो ये साल जो है वो आपके अंदर ये चेंजेस लेके आएगा। लेकिन आप भी स्पिरिचुअलिटी से शायद कनेक्टेड हो, लोग आपको एक स्पिरिचुअल के तौर पे देखें, एक हीलर के तौर पे, एक मेडिटेटर के तौर पे, ठीक है, एक डॉक्टर के तौर पे, इस तरह आपको देख सकते हैं। आप हो सकता है हर्ब्स के साथ वर्क करते हो, या केमिकल्स के साथ, या क्लॉथिंग हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, फर्नीचर का बिजनेस हो सकता है, क्लॉथिंग का हो सकता है, या कोई आप खुद कुछ अपना इस साल स्टार्ट करो वर्क, ओके, पॉसिबल है यहाँ पे, या इस तरह की फील्ड में आप जाओ। सो बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज होंगी, मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे। नाउ लेट्स सी और क्या चेंज होने वाली है आपकी। जो लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं वो डेफिनेटली डाइट पे फोकस रहेंगे इस साल, और आपका हेल्थ पे फोकस रहेगा, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज लाएंगी। नाउ वी हैव ऑर्डिनरीस नंबर 8 अगेन, सो 8 बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। या वी हैव द अबंडेंस, वाओ, एंड वी हैव रिपनेस, वाओ। सो आपने अब तक जितनी हार्ड वर्क की है उसकी आपकी मेहनत का फल मिलेगा आपको। एंड वी हैव अ पार्टिसिपेशन, या मैंने बोला था आपको दैट यू विल बी द पार्ट ऑफ सम ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे है करेज, सो मुझे लगता है आप काफ़ी स्ट्रांग पर्सन हो, या इस साल आपकी करेज और स्ट्रेंथ का असली टेस्ट होगा, जो आपको पता चलेगा कि आप कितने स्ट्रांग हो। और आप देख सकते हो ये जो फूल निकल रहा है वो पत्थर से निकल रहा है, सो आप इतने स्ट्रांग हो कि आप पत्थर से निकल के निकलोगे। और यही चीज़, और वही लोग ही कामयाब होते हैं जो स्ट्रांग होते हैं, जिनमें करेजस होता है, जिनमें एक विल होती है कि मैंने ये चीज़ करनी है और मैं करके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी, ठीक है। तो ये वाली चीज़ मुझे नज़र आ रही है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑर्डिनरीस है, ठीक है। आप में से काफ़ी सारे लोग जो जिस चीज़ पे आपने मेहनत की है, स्टडी है, एजुकेशन है, आपकी हेल्थ है, आपका करियर है, आपकी लव लाइफ है, कुछ भी जो भी है, लेकिन उसका आपको रिवार्ड मिलेगा इस साल। आपको अबंडेंस मिलेगी, आपको सक्सेस मिलेगी, आप देख सकते हो यहाँ पे। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई अबंडेंट इंसान आए, ठीक है, जिनको आप अपने करियर के थ्रू मिलो, अपने सक्सेस के थ्रू मिलो, अपनी एजुकेशन, अपनी डाइट के थ्रू मिलो, ठीक है, हेल्थ के थ्रू। एंड वी हैव पार्टिसिपेशन, या हो सकता है आप इतने अबंडेंट हो कि आप, हो सकता है चैरिटी वर्क करो, या इस तरह की चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन में आप हेल्प करो लोगों, दूसरे लोगों के साथ पार्टिसिपेशन होगी आपकी, डीलिंग होगी, बिजनेस कैरियर ओरिएंटेड रिलेटेड चीज़ें होंगी। तो काफ़ी सारी मेहनत का फल आपको मिल, आप इस साल जो चीज़ भी करोगे वो आपका कर्मा आपको फिर उसका फल देगा, और आपको वो सक्सेस मिलेगी, लोग आपके, और अगर आप काफ़ी अरसे से कर रहे हो तो ये वाला साल आपके अंदर ये सक्सेस लाएगा, ये चेंज लाएगा, और लोग देखेंगे कि आप कितने, आपकी मेहनत का फल किस तरह लाया है और आपने कितनी सक्सेस पाई है लाइफ में। आप हो सकते हैं कोई फॉर्चून टेलर भी हो, आप एस्ट्रोलॉजर भी हो सकते हो, ठीक है, विद दिस बॉल, सो इट्स अ स्पिरिट बॉल, तो आपका हो सकता है स्पिरिट से कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, रिलेटेड है, आपको बहुत फेथ है, और आपका यही फेथ और यही चीज़ आपको रिवॉर्ड देगी, आपकी मेहनत। नाउ लेट्स सी और यहाँ पे क्या चीज़ बात हो रही है, किस चीज़ पे आपका मेन फोकस होगा इस ईयर। सो वी हैव ट्रस्ट, या आपको डेफिनेटली ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है, यूनिवर्स पे करना, अपने आप पे ट्रस्ट करना, अपनी लाइफ पे ट्रस्ट करना, और जो आपका स्किल है, आपका टैलेंट है, उस पे ट्रस्ट करना। एंड वी हैव अ लव, या ये वाला साल जो है वो आपके, आपकी लाइफ में शायद लव को भी लेके आए, आप सिंगल नहीं रहो, आप हो सकता है किसी को मिलो, ठीक है, लेकिन आप डेफिनेटली इस इंसान को अपने वर्क के थ्रू मिलोगे, ये इंसान आपको अपने वर्क के थ्रू मिलेगा, ठीक है, लेकिन ये लव आपका अपने साथ भी है, जो आप इस साल अपने आप से लव करोगे, अपनी बॉडी से लव करोगे, अपने आप को एक्सेप्ट करोगे कि आप जैसे भी हो, अपनी हेल्थ से लव करोगे, अपनी डाइट से, अपने करियर से, अपनी वर्क से। एंड वी हैव अ इन वे रिवर्स, सो हो सकता है कि आप में से जो चीज़ आपके पास होगी, बहुत सारे लोग जेलस होंगे, जैसे सिक्स हाउस इज ऑल्सो टॉक अबाउट एनिमीज और हेटर्स, स्पेशली वर्क वाली जगह पे या इन्वायरमेंट में, या आपके जो जहाँ पे भी आप वर्क करते हो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, या कुछ लोग जेलस होंगे कि किस तरह से आपकी लाइफ चेंज हो रही है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि आपके लाइफ में ये चेंज आई कहाँ से है, आपने कितनी मेहनत की है, आपने कितना पेशेंस किया, आपने कितना ट्रस्ट किया है, टाइम को दिया है। और आप में से काफ़ी सारे लोग इस ईयर से शायद कुछ स्टार्ट करो, मेहनत स्टार्ट करो, कोई वर्क, हार्ड वर्क आपको ज़रूर पे ऑफ होगा, चाहे आप जो भी इस मंथ, इस ईयर से स्टार्ट करोगे। ये ईयर आपके लिए आपके रूट्स को रिलेटेड रखता है कि आप क्या फाउंडेशन अपने लिए क्रिएट करते हो, और फिर उसका फल मिलेगा आपको। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उनको इस ईयर में सक्सेस मिलेगी, स्पेशली इन योर वर्क, इन योर लाइफ, इन योर हाइट, इन योर आउटलुक। लोग आपको एक डेफिनेटली एक प्रोफेशनल के तौर पर देखेंगे, एक इंस्पिरेशन के तौर पर देखेंगे, एक हेल्पर, एक गाइड, एक गुरु मेंटोर के तौर पर देखेंगे, अगर आप ऑलरेडी इस तरह की फील्ड में हो और आप कर रहे हो, ठीक है। वी हैव इन वे, सो डेफिनेटली बहुत सारी जेलेसी होगी,
लेकिन आपने उस चीज़ को नहीं करना है, आपको अपने आपको हमेशा लव और ट्रस्ट के साथ लोगों को विन करना है, और आपका काम ही यही है, ठीक है। लेकिन अगर आप इनवे रहोगे या जेलस रहोगे या आपसे लोग जेलस होते हैं, ये आपका प्रॉब्लम नहीं है, ये उनका प्रॉब्लम है। बट आई फील आपको डेफिनेटली अपने आप को केयर रखनी चाहिए विद द इनवे, ठीक है। ईवल आई से अपने आप को बचा के रखना है, प्रोटेक्शन ज़रूर यूज़ करनी है ताकि आपको इन लोगों की नज़र ना लगे। तो हो सकता है कि आपको, हो सकता है कि ईवल आई आप पे हो, कि आप किस तरह का वर्क कर रहे हो, या आपके टैलेंट से, आपकी ब्यूटी से, आपकी डाइट से, आपकी फूड से, आपकी हेल्थ से, नज़र किसी चीज़ पे भी लग सकती है, ईवल आई कुड बी एनीथिंग। लेकिन ये डेफिनेटली जेलस लोग होंगे, या आपको इस साल आप इन जेलस लोगों को, इन लोगों को अपनी लाइफ से निकाल दोगे कम्प्लीटली फिनिश, और आपकी लाइफ में ये ट्रस्ट और लव होगा सिर्फ, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग है। हेलो पाइल नंबर थ्री, जिनका कार्ड नंबर थ्री है या ये वाली आपकी डेट ऑफ बर्थ है, देन वेलकम ऑन योर रीडिंग। देखते हैं कि आपके पूरे साल की थीम क्या है। सो वी हैव द प्रेजेंट पावर कॉन्शियसनेस, और यहाँ पे लियो है, तो आप हो सकता है लियो हो, सन मून और राइजिंग। आप ऐसे काफ़ी सारे लोग इस वक्त बहुत पावरफुल फील कर रहे हो, या आपका ये जो ईयर है ये काफ़ी पावरफुल चीज़ें आपके अंदर लाएगा। चाहे आप लड़की भी हो, आपको काफ़ी मैस्कुलिन फील होगा, आपको काफ़ी पावरफुल फील होगा, कोई पावरफुल पोजीशन मिलेगी, कोई वर्क आपको ऐसा मिलेगा कि आप काफ़ी पावरफुल फील करोगे, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी एक आएगी, ठीक है। और जो मेल हैं, मैस्कुलिन हैं, उनको भी हो सकता है प्रमोशन मिले वर्क पे या जॉब पे, या कोई ऐसा काम आप करोगे जिससे आपके अंदर काफ़ी पावर आएगी, आपको सक्सेस मिलेगी, काफ़ी स्ट्रांग डिसीजन आपको लेने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे डिज़ायर्स को कंट्रोल भी करना है, क्योंकि यही आपका कॉन्शियस माइंड आपको बोलेगा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें अपनी कंट्रोल करनी पड़ती हैं डिज़ायर्स को। लेट्स सी, लेट्स सी एस्ट्रोलॉजी से क्या निकलता है आपके लिए, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, जो आपको प्लैनेट्स, हाउस या थीम के बारे में बताएंगे, और इस साल आपकी लाइफ में कौन से एरिया में चेंज आएगा। वी हैव अ नाइन्थ हाउस एंड वी हैव द पाइसिस। ओके, तो आपका सन मून राइजिंग पाइसिस में हो सकता है, या आपका पाइसिस नाइन्थ हाउस है, या आप सेजिटेरियस हो सकते हो। सो जुपिटर वाली एनर्जी है, पाइसिस और सेजिटेरियस रूल बाय जुपिटर। तो इस वाला जो मोर इंपॉर्टेंट आपका जो ईयर होगा वो जुपिटर के रूल होगा। वाओ, सो काफ़ी पावरफुल चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी इस साल, ये ईयर आपके लिए बहुत पावरफुल होगा, स्पेशली उन लोगों के लिए जो काफ़ी क्रिएटिव हैं, मिस्टिक्स हैं, जो ऐसी फील्ड से हैं, जो क्रिएटिव फील्ड है, आर्टिस्टिक फील्ड है। आप आर्टिस्ट हो, क्रिएटिव हो, आप कंपैशनेट हो, आप हीलर हो, आप इम्पैथिक हो, आप काफ़ी मैजिकल हो, या आप स्पेल्स करते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, एस्ट्रोलॉजर, स्पिरिचुअल, ठीक है, आपका जो भी फील्ड हो सकता है, लेकिन आप काफ़ी क्रिएटिव हो। तो ये वाला ईयर आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको लेके आएगा लाइफ में, चेंजेस लेके आएगा। वी हैव अ नाइन्थ हाउस, ये वाला जो हाउस होता है वो सीकिंग होता है। तो आप में से काफ़ी सारे लोग इस ईयर हो सकता है कि आपको फाइनली समझ आ जाए कि आपके लिए कौन सा करियर बेस्ट है, या कौन सा आपका लाइफ पाथ बेस्ट है। आप ऐसे काफ़ी सारे लोग अपने इस क्रिएटिव वर्क की वजह से आउट ऑफ कंट्री भी जाओगे, आउट ऑफ सिटी भी जाओगे, आप बहुत सारी जगहों पे जाओगे, एक्सपीरियंस करोगे, बहुत सारे लोगों के साथ आपकी डील हो सकता है, डिफरेंट फॉरनर से आपकी बात हो सकती है, या इस तरह की मल्टी इंटरनेशनल चीज़ों में आपको जॉब मिल सकती है, या आपको प्रूव करना पड़ेगा अपने टैलेंट को किसी ऑर्गेनाइजेशंस पे, किसी इवेंट्स पे। सो बहुत सारे लोग चीज़ें देखेंगे, और यहाँ पे ट्रैवल है, तो हो सकता है जैसे मैंने कहा आउट ऑफ कंट्री जाना पड़े आपको, या कुछ चीज़ पावरफुल आपकी लाइफ में ज़रूर होगी, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है नंबर नाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपकी लाइफ में, या आपका लाइफ पाथ नंबर नाइन है, डेट ऑफ बर्थ है, या नाइन एनीथिंग विद अ नाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइन इज़ आल्सो कार्मिक नंबर, तो हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग इस साल आपके कार्मिक रिलेशनशिप्स को ख़त्म करोगे, कार्मिक पैटर्न को ख़त्म करोगे, एक नया बर्थ होगा, एक नई चेंज आपकी लाइफ में आएगी। और नाइन इज़ आल्सो नंबर ऑफ हैप्पीनेस, इंडिपेंडेंट। तो ये वाला साल आपके बारे में सब कुछ इंडिपेंडेंस और हैप्पीनेस को बात करता है, जो आप डेफिनेटली सिर्फ अपनी इंडिपेंडेंस, अपने टैलेंट, अपने पावर पे फोकस करोगे। यहाँ पे स्पिरिचुअल रिलेटेड चीज़ें भी हो सकती हैं आपके साथ, ठीक है, स्पिरिचुअल कनेक्शंस बिल्ड होंगे, स्पिरिचुअल एक्विटेंसेज आपकी लाइफ में आएंगे, क्लाइंट्स आएंगे अगर आप इस तरह की फील्ड से हो, या स्पिरिचुअल लोगों से आपका मिलना जुलना होगा, उठना बैठना होगा, बातचीत करना होगी, ठीक है। रिलीजियस चीज़ें भी हो सकती हैं आपके साथ, आप ऐसे काफ़ी सारे लोग जर्नलिज्म में भी जा सकते हो, ठीक है, रिलीजन से रिलेटेड चीज़ें भी कर सकते हो, फॉरेन ट्रैवल है, एडवेंचर है। तो ये वाला साल आपके लिए काफ़ी पावरफुल और स्ट्रांग होगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि या तो ये आप खुद पावरफुल बनोगे, या काफ़ी पावरफुल लोगों से आपका मिलना जुलना होगा या बात होगा, या आपकी प्रमोशन भी हो सकती है, ठीक है, वर्क में, जहाँ पे आपको अपग्रेड किया जाएगा, और आपके आपकी हायर एजुकेशन के लिए शायद आपको बाहर जाना पड़े, अब्रॉड जाना पड़े, डिफरेंट कंट्री में जाना पड़े, डिफरेंट लोगों के साथ आपको प्रोजेक्ट्स करना पड़े, ठीक है। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हायर एजुकेशन के लिए भी आप लोग जा सकते हो, आर्टिस्टिक फील्ड में भी आप जा सकते हो। तो ये वाला ईयर आप लोगों के लिए सब कुछ पावरफुल चीज़ें आपके लिए होंगी, इंडिपेंडेंट ईयर है ये आपके बारे में है।
ठीक है। नाउ लेट्स सी और क्या यहाँ चेंजेस आ सकती हैं आपकी लाइफ में। सो वी हैव अ चेंज, या चेंज, ये वाला ईयर आपकी लाइफ में बहुत सारी चेंजेस लेके आएगा और मुझे इंडिपेंडेंस में ज़्यादा नज़र आ रहा है, आपकी अपनी इंडिपेंडेंस में, आपकी सोच में, आपके क्रिएटिव वर्क में। एंड वी आल्सो हैव एग्जॉस्टेशन, या मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी या बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा जिसकी वजह से आप एग्जॉस्टेड हो जाओगे। बहुत सारी डील्स, बहुत सारे क्लाइंट्स, ऑनलाइन बिजनेस भी हो सकता है जहाँ पे दूसरे लोगों से बात करना हो, सोशल मीडिया पे कुछ एक्टिविटी हो सकती है। वी हैव द क्रिएटर, या तो आप ऐसे काफ़ी सारे लोग डेफिनेटली एंटरप्रेन्योर हो और आप अपनी, या लुक एट दिस इनर वॉइस, आप ऐसे काफ़ी सारे लोग, ये वाला साल आपके अपने बारे में है, आपने अपनी इनर वॉइस सुनी है, वही चीज़ आपको अपनी गाइड करेगी कि आपका लाइफ का पर्पस क्या है, लाइफ पाथ क्या है, करियर का पर्पस क्या है। ठीक है, आप अपनी लाइफ के खुद क्रिएटर हो, एवरी वन इज़ द क्रिएटर ऑफ देयर ऑन लाइफ, हम अपनी लाइफ को खुद क्रिएट करते हैं। तो आप में से काफ़ी सारे लोग, ये वाला ईयर आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देगा कि आपने कैसे अपनी लाइफ को क्रिएट करना है और आपकी लाइफ अपने तरीके से ही ट्रांसफॉर्म होगी। यू विल ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, आपकी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से ट्रांसफॉर्म होगी अगर आप उसको अच्छे तरीके से क्रिएट करोगे। ठीक है, ये वाला ईयर आपके अंदर भी बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा, आपके अंदर भी बहुत सारी चेंजेस लाएगा, आपके अंदर स्पिरिचुअल चेंज लाएगा, आपके अंदर हीलिंग लाएगा, आपके अंदर पावर लाएगा, एक मिस्टिकल पावर आ सकती है या मिस्टिकल पावरफुल लोगों से आपका मिलना जुलना हो। ठीक है, आप किसी के साथ वर्क भी कर सकते हो जो आपको हेल्प करेगा, गाइड करेगा, लेकिन इनर वाइज आपने सुननी है, अपनी इंट्यूशंस आपकी बहुत तेज़ रहेंगी इस साल, या आपने अपने इंट्यूशंस पे फोकस करना है। ठीक है, उसी वजह से ही आपको चेंज लाएगा, लेकिन यहाँ पे एग्जॉस्टेड एनर्जी भी है, आपने अपने आप को इतना वर्क में नहीं बिजी रखना है कि आप एग्जॉस्टेड हो जाओ, वही काम करना है जितना आप कर सकते हो या आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, आप मल्टीटास्क भी कर सकते हो। यहाँ पे किसी फॉरनर से आपको लव भी हो सकता है या किसी से आपकी फ्रेंडशिप भी स्टार्ट हो सकती है या डेटिंग भी कर सकते हो ऑनलाइन, यहाँ पे नज़र आ रहा है ऑनलाइन होता है ऑब्वियसली, फॉरनर हो सकता है, डिफरेंट कल्चर है, बैकग्राउंड है, ठीक है, या वो डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकती है या ये लव पार्टनरशिप भी हो सकती है। वी ऑल्सो हैव अ चेंज, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है एंड आई फील इट्स डेस्टिनी, ये डेस्टिन चेंज है जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देगा टोटली नए तरीके से। हो सकता है आप किसी डिफरेंट कंट्री में सेटल हो जाओ या आपको किसी, आपकी शादी हो जाए इस साल और आपको डेफिनेटली वहाँ पे जाना पड़े उस इंसान के साथ। ठीक है, वहाँ पे रहना पड़े आपको उस इंसान के साथ, ये भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली एक परमानेंट चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। और आप हो सकते हैं कोई चीज़ एंड कर रहे हो, एजुकेशन हो सकती है, आपकी करियर हो सकता है, कोई ऐसी चीज़ है जो आप कंप्लीट कर रहे हो, उसके बाद एक नई बिगिनिंग आपकी लाइफ में स्टार्ट होने वाली है। ये कार्मिक रिलेशनशिप्स भी हो सकते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल नहीं है, आप ख़त्म कर रहे हो। और देखते हैं आपके लिए इस साल की थीम क्या है। वी हैव एम्पैथी, या आप में से काफ़ी सारे लोग एम्पैथ हो, लाइट वर्कर हो, हीलर हो, स्पिरिचुअल लीडर हो, आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से क्रिएट करोगे और लोग देखेंगे आपकी इस लाइफ को क्रिएट होता हुआ, या आप किसी आर्टिस्टिक फील्ड से हो और आपका टैलेंट लोगों को नज़र आएगा। वी ऑल्सो हैव सेल्फ इस्टीम, या ये वाला साल आपके लिए अपने अंदर बहुत ज़्यादा, मैंने कहा, चेंज लेके आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा, आप काफ़ी पावरफुल स्ट्रांग फील करोगे, आपको लगेगा हर चीज़ आपके लिए बेस्ट हो रही है। और जो लोग एग्जॉस्टेड हैं उनके लिए यही एनर्जी है कि आप अपने ऊपर फोकस करो, ये वाला साल आपके बारे में है, अपनी इनर वॉइस को सुनो, वही आपको गाइड करेगी कि आपको क्या करना चाहिए, क्या आपका सोल पर्पज़ है और क्या आपका लाइफ पर्पज़ है। एंड वी हैव अ फेलियर, और अगर लाइफ में फेलियर भी हो तो डजेंट मैटर, ठीक है, कि वो भी एक एक पार्ट है, एक डेस्टिनी का एक एक, एक उसी फेलियर से तो हम सीखते हैं। लेकिन अगर आप कोई चीज़ किसी चीज़ में फेल हो रहे हो और वो चीज़ नहीं वर्क कर रही है, उसको छोड़ दो, यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है, लेकिन सेल्फ इस्टीम के बहुत इशू है यहाँ पे। आप लोगों को डेफिनेटली आपका जो फोकस होगा वो इस साल अपने सेल्फ इस्टीम पे होगा, अपने फोकस अपने करियर पे होगा, अपनी एम्पैथी पे, अपनी हील पे, आप अपनी लाइफ को खुद क्रिएट करोगे और आप खुद क्रिएट करोगे कि आपको क्या करना है, आपको अपनी इनर वॉइस को सुनना है कि क्या आपका लाइफ पर्पज़ है, क्या आपका सोल पर्पज़ है, कोई और आके आपको नहीं बताएगा। सो बहुत इंपॉर्टेंट चेंज आपकी लाइफ में होगा और ये उन लोगों के लिए होगा जो डेफिनेटली दे विल नॉट गिव अप ऑन फेलियर। अगर फेल एक दफ़ा हो भी गए, डजेंट मैटर, आप अपने ड्रीम्स पे, अपने पैशंस पे, आप जो आपकी स्किल्स हैं, जो आपको पता है आपका टैलेंट है, उस पर गिव अप नहीं करना है। यहाँ पे कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा आएगा आपके अंदर, बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ें आपके साथ इस मंथ में, इस ईयर में होने वाली हैं। ठीक है, तो ये है आपका ईयर की रीडिंग। फाइनली जिनका कार्ड नंबर 4 है और आइए आपकी डेट ऑफ बर्थ है जो आपने चूज़ किया है, देन वेलकम ऑन योर रीडिंग। देखते हैं कि आपके पूरे साल की थीम क्या है। वी हैव लेटिंग गो एनर्जी, तो आप में से काफ़ी सारे लोग पास्ट वाली चीज़ों पर अभी तक स्टक हो, या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप लेट गो करना चाहते हो लेकिन अभी तक उनमें अटके हुए हो,
ठीक है, ऐसा लग रहा है कि आपको किसी चीज़ को घसीट के घर से बाहर निकालना है या अपनी लाइफ से बाहर निकालना है, लेकिन आपको बहुत डिफिकल्टी हो रही है उस चीज़ को निकालने में, उस चीज़ को लेट गो करने में, और उसी में ही आपकी भलाई है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे डोर्स ओपन होंगे, लेकिन कुछ डोर ओपन भी होंगे। ठीक है, ये क्लोजर इश्यूज़ भी हो सकते हैं कि आपको पास्ट वाले इश्यूज़ को क्लोज करना है, चैप्टर्स को क्लोज करना है, रिलेशनशिप्स को क्लोज करना है, जो आपकी पास्ट वाली एनर्जी है उसको चेंज करना है, तभी आपकी लाइफ में चेंज आएगा। तो ये आपकी थीम रहेगी, अपनी लाइफ को पास्ट से कंपेयर करना। लेट्स सी, वी हैव एट्थ हाउस, यस लेस, लेट्स सी एस्ट्रोलॉजी में क्या हो रहा है आपकी लाइफ में। दिस इज़ द प्लैनेट्स जहाँ पे आपका वर्क होना है। या ओ माय गॉड, हीलिंग, इंटेंस हीलिंग। या आपका कैरॉन जो है, कैरॉन इट्स अ हीलिंग प्लैनेट, एट्थ हाउस में हो सकता है। ठीक है, लेकिन वेदिक एस्ट्रोलॉजी वाले इस चीज़ों को बिलीव नहीं करते, वहाँ पे सिर्फ मेरा ख्याल है ये प्लैनेट है ही नहीं, लेकिन हो भी सकता है। तो कैरॉन इज़ अ हीलिंग प्लैनेट, ठीक है, एट्थ हाउस है, आपको पता है एट्थ हाउस इज़ ऑल अबाउट इंटीमेसी, रोमांस, रिलेशनशिप, सेक्स, पावर स्ट्रगल। ठीक है, और यहाँ पे कायरॉन है, तो ये आपके साल की थीम रहेगी। जैसे मैंने आपसे कहा, हील करना है आपको पास्ट वाले रिलेशनशिप से, पास्ट से आपका ट्रॉमा, आपका बचपन का ट्रॉमा, आपका चाइल्डहुड का ट्रॉमा, आपके फैमिली का ट्रॉमा, आपके बिजनेस का, कुछ भी इशू जो आपको डेफिनेटली इंसेंस कर रहा है। ये पेनफुल ब्रेकअप भी हो सकते हैं आपकी लाइफ में, जो आप अभी तक आप उन चीज़ों को भूल नहीं पाए हो। भाई क्लोज चैप्टर करोगे, अगर आपको लाइफ में न्यू बिगिनिंग चाहिए, आपको लाइफ में न्यू लव चाहिए, न्यू रिलेशनशिप्स चाहिए, आपको लाइफ में न्यू जॉब चाहिए, आपको लाइफ में न्यू चीज़ें चाहिए, तो क्या करना होता है उसके लिए, न्यू चीज़ों को पाने के लिए क्या करना होता है? ऑब्वियसली यू नीड टू क्लोज द चैप्टर ऑफ पास्ट। आपको वो पास्ट वाले जो डोर हैं वो क्लोज करने पड़ते हैं, आपको एक चीज़ छोड़नी पड़ती है, तब जाके आपको कोई चीज़ मिलती है, राइट? ऐसा ही होता है ना। तो ये आपका बिलीफ सिस्टम भी हो सकता है, जो आपको डेफिनेटली एक एक किस्म का आप करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो, अपने आप को लटकाया हुआ है, होल्ड कौन किया हुआ है, ऐसा लग रहा है एक चीज़ है जो आप करना चाहते हो लेकिन आप उसको घसीटे जा रहे हो और वो चीज़ आपको नहीं मिल रही। उस डोर को क्लोज करना बहुत ज़रूरी है। ये जो भी चीज़ है ये पास्ट वाले से रिलेटेड चीज़ ही है। और अगर आपने किसी को खोया है, आई एम सॉरी, अगर आपके कोई लाइफ में पेरेंट्स नहीं हैं, या यू हैव लॉस्ट योर पेरेंट्स, या आपके बचपन से पेरेंट्स नहीं हैं, या आपको बचपन से ही वो लव नहीं मिला, अगर इवन पेरेंट्स जिंदा भी हैं, या नार्सिस्टिक लोग आपको लाइफ में मिले हैं, टॉक्सिक लोग मिले हैं, तो वो एक पर्पस था आपको मिलने का, क्योंकि आपको इस चीज़ों से गुजरना था ताकि आप अपने आप को हील कर सको। अब उसको आप लेके बैठे रहोगे, उसको सोचते रहोगे, तो आपको कभी वो चेंज नहीं आएगा लाइफ में, आपको वो हीलिंग नहीं मिलेगी। आप स्टॉप क्राइंग ऑन द थिंग्स, आप बहुत रोए हो, लोगों ने आपको बहुत हर्ट किया है, आई अंडरस्टैंड, आपने बहुत स्ट्रगल देखी है, आपने बहुत चैलेंजेस का सामना किया, या इस साल भी आपके लिए बहुत चैलेंजिंग रहा है, लेकिन प्लीज़ अपने आप को हील कीजिए। अगर आपको लाइफ में न्यू चीज़ें चाहिए, आपको लाइफ में रिलेशनशिप चाहिए, आपको लाइफ में लव चाहिए, आपको लाइफ में पावर चाहिए, अगर आप इन चीज़ों से निकलना चाहते हो, पास्ट को बंद करना पड़ेगा। जितना आप अपनी लाइफ को पास्ट से कंपेयर करेंगे, आपको आगे कुछ नहीं मिलना, यू विल बी स्टक इन द पास्ट। सो एट्थ हाउस इज ऑल्सो इंटीमेसी, ये रोमांटिक रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, जो आपके रिलेशनशिप कभी चले नहीं, ब्रेकअप होते रहे, डिवोर्स हुई है, सेपरेशन हुई है, या आपके हस्बैंड की डेथ हो गई, आई एम सॉरी, वाइफ की डेथ हो गई, या आपके पेरेंट्स की डेथ हुई, क्योंकि इट्स अ डेथ एट हाउस एंड कैरॉन, कुछ ऐसा ज़रूर है आपकी लाइफ में हुआ है जो जिससे आपकी लाइफ टोटली चेंज हो गई है, अप्स एंड डाउन हो गई है, या हो गई थी, ठीक है, बचपन में, या जो भी आपके साथ ये आपको स्ट्रगल करनी पड़ी है। एट्थ हाउस इज आल्सो सीक्रेट्स, ठीक है, जो आप शायद लोगों को नहीं बता पाते हो, आपके अंदर ये फेयर है, आपके अंदर ये रिलेशनशिप का फेयर हो सकता है, सेक्स का रिलेशनशिप का फेयर हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट का हो सकता है, इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं, आपका पैसा हो सकता है, आपका इनहेरिटेंस हो सकता है, आपकी फैमिली हो सकती है, अंडरवर्ल्ड चीज़ें हैं, जो चीज़ें आप डेफिनेटली लोगों को नहीं बताते हो, तो आपको वो चीज़ें हील करनी है, ऐसी चीज़ें। जब तक आप उन चीज़ों को हील नहीं करोगे, तो आपके अंदर आपको कोई एडिक्शन भी हो सकती हैं जो आपको हील करनी है, सेक्स की एडिक्शन हो सकती हैं, ड्रग्स की हो सकती हैं, स्मोकिंग की हो सकती हैं, कोई भी एडिक्शंस, पास्ट की एडिक्शंस हैं, बेसिकली दिस इज़ पास्ट। एक चीज़ को क्लोज करना है, एक चीज़ को ख़त्म करना है, डेड करना है, तभी जाके आपकी लाइफ में वो चेंज आएगा। और यहाँ पे ज़्यादातर यही चीज़ें नज़र आ रही हैं कि पास्ट वाले रिलेशनशिप हैं, कोई एक्स हो सकता है, कोई एक्स पार्टनर है, कोई फैमिली है, कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप घसीट रहे हो, लेकिन वो चीज़ वो आना नहीं चाह रहा है, चीज़ आपके पास वो चीज़ नहीं आ रही है, वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है, और नहीं मिलेगी जब तक आप उसको क्लोज नहीं करोगे। आपके अंदर ये एनर्जी भी हो सकती है कि आप लोगों को ज़्यादा देते हो, बदले में आपको कुछ नहीं मिलता है, ठीक है, और फिर आप रोना शुरू कर देते हो कि आपको लगता है कि मैंने तो इतना किया, मुझे तो बदले में कुछ नहीं मिला। स्टॉप डूइंग फॉर द पीपल, शायद यही आपका साल का पूरा ये सबक है, आपका लेसन है, सीखिए उन लोगों से जो आपको बदले में कुछ नहीं दे रहे, क्यों घसीट रहे हैं उनको, क्यों चाह रहे आपको ऐसे रिलेशनशिप चाहिए जो आपको बदले में कुछ नहीं दे रहे, या क्यों आपको पास्ट पे अभी तक अटके हुए हो, रोए जा रहे हो उसी चीज़ को लेके,
वो एक लेसन था, एक एक कार्मिक लेसन हो सकता है आपके लिए, आपके लिए एक डेथ है, एक रिबर्थ है, एक चेंज है। उस चीज़ को पास कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए और निकलिए उस चीज़ से। ये आपकी साल की थीम है, वरना एक और साल इसी थीम पे रहेगा, एक और फिर आपको फिर मुश्किल होगी, अगले साल फिर आप इसी चीज़ में अटके रहोगे। लेट्स सी, या वी हैव हीलिंग, वाओ, इंटेंस हीलिंग, इंटेंस हीलिंग। ये वाला साल आपके लिए हीलिंग है, आपकी खुद की हीलिंग है, आपके अंदर अपने खुद को एडिक्शंस को इस विक्टिम मेंटालिटी से निकलना है, या कॉन्शियस आपके अंदर विक्टिम मेंटालिटी भी हो सकती है। या वी हैव अ सक्सेस, फिर जाके सक्सेस मिलेगी। अपने कॉन्शियस माइंड को ट्रीट कीजिए दैट आई एम सक्सेसफुल, आई एम हैप्पी, आई विल बी हैप्पी, आई विल बी सक्सेसफुल, आई विल बी सेटिस्फाइड। या वी हैव अवेयरनेस, आपको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है। एंड वी हैव अ ट्रस्ट, और यहाँ पे लीप ऑफ फेथ है। कैसे आप देख सकते हो कार्ड में, शी इज़ जंपिंग, उसको नहीं पता कि वो कहाँ जा रही है, लेकिन शी इज़ जंपिंग, ट्रस्ट एंड हैव फेथ कि मुझे ये चीज़ करनी है, रिस्क लेना है मुझे। सो आपको ये जो आपका साल होगा वो डेफिनेटली एक अवेयरनेस आपके अंदर लाएगा, एक कॉन्शियस माइंड में एक अवेयरनेस आनी चाहिए। अपने आप को, अपने माइंड को ट्रीट कीजिए, एक शेडो वर्क है, देखें यहाँ पे भी शेडो है, उस चीज़ को बर्न कीजिए, जो चीज़ें आपको टॉक्सिक लगती हैं या जो चीज़ें आपका पीछा नहीं छोड़ रही हैं। ये एट्थ हाउस शेडो वर्क भी होता है, जो आपको करना है, विक्टिम मेंटालिटी से निकलना है, जो हो गया वो हो गया, अब उस चीज़ को एक्सेप्ट करें, उस चीज़ को निकलें उस चीज़ से, और आपको खुद हील करना है ये सब कुछ। ये एक दिन में नहीं होगा, एक महीने में नहीं होगा, एक साल लगेगा, तो आपका पूरे साल की थीम यही है, और आप अभी तक स्ट्रगल कर रहे हो उस चीज़ से, ठीक है। यहाँ पे इंटेंस हीलिंग की ज़रूरत है, अवेयरनेस की ज़रूरत है, ताकि आप उन चीज़ों को, और ये इमोशनल है क्योंकि यहाँ वाटर है, दिस इज़ लाइक वाटर, ब्लू कलर, इमोशंस, तो आप बहुत इमोशनल और सेंसिटिव पर्सन हो सकते हो, या लोगों ने आपके इमोशंस का बहुत फ़ायदा उठाया है, चाहे वो रिलेशनशिप्स हैं, चाहे वो वर्क है, जो भी जगह है, फैमिली है। अपने माइंड को कॉन्शियस में रखिए और अपने आप को हील कीजिए, आपने खुद हील करना है, और आपको तभी जाके सक्सेस मिलेगी। एट्थ हाउस इज़ आल्सो पावरफुल, यू नो, लाइक पावरफुल हाउस, तो हो सकता है कि कहीं पावर मिले आपको, ठीक है, कहीं सक्सेस मिले, कहीं प्रमोशन मिल सकती है। अपनी पावर को सही तरीके से यूज़ करना है आपने, जो भी जॉब है आपकी, बैंकिंग की जॉब हो सकती है, फाइनेंसिस हो सकते हैं, कैरियर इस तरह की फील्ड में हो सकता है, आईटी में, टेक्नोलॉजी में, बैंकिंग है, फाइनेंसिस है, मास्टर्स इन एमबीए, यू नो, लाइक इस तरह की जॉब्स आप कर सकते हो, या इस तरह की फील्ड में आप यू जाओगे, ठीक है। कैरियर पे आपका फोकस होना चाहिए, सक्सेस मिलेगी। और यहाँ पे सक्सेस आपको ये भी बताती है कि आप डेफिनेटली इस चीज़ से निकल आओगे, लेकिन आप निकलना नहीं चाहते, आप एक चीज़ को मुसलसल घसीटे जा रहे हो, उस चीज़ को ठीक करना चाहते हो, उस चीज़ को रिपेयर करना चाहते हो जो है ही नहीं वहाँ पे। आपको अपने आप को खुद रिपेयर करना है, अपने आप को हील करना है, अपने आप को चेंज करना है, ये अवेयरनेस लानी है अपने अंदर कि मुझे कोई और हील करने नहीं आएगा। इवन आपको लवर भी चाहिए तो आपका लवर आपको हील नहीं करेगा आके, जब तक आप खुद हील नहीं होंगे, क्योंकि आप जितने भी रिलेशनशिप्स में चले जाओ, आपको हमेशा यही लगेगा, एक विक्टिम मेंटालिटी रहेगी कि ये इंसान मुझसे लव नहीं करता, ये इंसान मेरे साथ सीरियस नहीं है, क्योंकि वो पास्ट वाला ट्रामा आपको शेडो साइड है, वो आपका शेडो वर्क है जो आपके पीछे हमेशा भागता रहेगा। तो प्लीज़ अपने आप को इस मेंटालिटी से निकालिए, ताकि आप अपने आप को हील कर सको और अपने आप को प्रिपेयर कर सको रिलेशनशिप्स के लिए, चाहे वो जिस तरह के भी रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है। तभी जाके आपकी लाइफ में हीलिंग होगी, तभी आपकी लाइफ में ये सक्सेस होगी। आपको सक्सेस भी मिलेगी यहाँ पे, नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पे, एजुकेशन में, स्टडी में, यू नो, जॉब में, कैरियर में भी हो सकता है जो लोग ऑलरेडी हैं, और अगर आपकी कोई जॉब नहीं है, इस साल हो सकता है कि आपको सक्सेस मिले, लेकिन यहाँ पे इंटेंस हीलिंग की बात की जा रही है, जिन लोगों को ज़रूरत है। ऑब्सेशंस हैं, ठीक है, आपकी ऑब्सेशन है, आपकी एडिक्शंस हैं, उनको कंट्रोल कीजिए। वी हैव हैप्पीनेस, या तो ये वाला साल आपके अंदर बहुत सारी हैप्पीनेस लाएगा, सक्सेस लाएगा, लेकिन अगेन वर्क आपको खुद करना है, तभी जाके आपके अंदर ये हीलिंग आएगी, चेंज आएगा। एंड वी हैव अ ग्रोथ, या आपकी लाइफ में डेफिनेटली ग्रोथ की ज़रूरत है, और आप एक ग्रोथ पीरियड से गुजरोगे। ये वाला साल आपके लिए बहुत ग्रोथ लेके आएगा, चेंज लेके आएगा, क्योंकि एट्थ हाउस एक बर्थ है, एक रिबर्थ है। आपको खुद भी अपने अंदर बहुत सारा चेंज लाना पड़ेगा, अपनी हैबिट्स में, अपनी एक्टिविटीज़ में, अपनी लाइफस्टाइल में, लोगों के साथ डील करने में। एंड वी आल्सो हैव अ चेंज, या सो दिस इज़ द ईयर ऑफ चेंज, जो आपकी लाइफ को टोटली चेंज कर देगा। स्टॉप डाउटिंग योर सेल्फ, स्टॉप डाउटिंग अदर, ठीक है।
ये आपके अंदर एनर्जी है, आपका आपके हाउस आपकी आपके सॉरी चार्ट में 8th हाउस की प्लेसमेंट बहुत स्ट्रांग हो सकती है, मतलब स्कॉर्पियो एनर्जी हो सकती है बहुत स्ट्रांग, या 8th हाउस की प्लेसमेंट बहुत स्ट्रांग है और कायरॉन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, आपने बहुत स्ट्रगल देखी है, आई अंडरस्टैंड, यानी रीनी में भी नजर आ रहा है, लेकिन आपको चेंज ग्रोथ और हैप्पीनेस के लिए अपने आपको चेंज करना पड़ेगा, अपने इन्वायरमेंट को चेंज करना पड़ेगा, अपने माइंड में ये अवेयरनेस लानी ही पड़ेगी दैट आई डिजर्व हैप्पीनेस, आई डिजर्व चेंज, आई डिजर्व लव। ये अपने माइंड को इस तरह ट्रीट करें, विक्टिम मेंटालिटी में मत रहें कि मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है, ये मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों होगा, या आपको ट्रस्ट नहीं है रिलेशनशिप्स पे या लोगों पे, लेकिन आपको करना पड़ेगा, और कभी भी नहीं होगा ये ट्रस्ट जब तक आप हील नहीं करोगे अपने उस पास्ट वाली चीज़ को। हर कोई एक जैसा नहीं हो सकता है, लेकिन पास्ट वाले लोगों को निकालिए अपनी लाइफ से, ये एक रिबर्थ है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी लाइफ में, बच्चों की बर्थ भी हो सकती है, जो लोग मैरिड हैं यहाँ पे प्रेगनेंसी हो सकती है आपको, या आपकी लाइफ में ये स्ट्रगल है कि आपको प्रेगनेंसी नहीं होती, आपको लगता है क्यों नहीं हो रही, हो जाएगी भाई, और ये साल हो सकता है प्रेगनेंसी हो आपको, यू आर गिविंग द बर्थ टू अ बेबी टू अ चाइल्ड, ये भी पॉसिबल है, यहाँ पे चेंज है, एक ग्रोथ है, एक हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आएगी, एक अवेयरनेस आएगी, क्योंकि 8th हाउस बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, ये आपके सीक्रेट्स हैं, आपकी अपनी चीज़ें हैं जिनको आपने हील करना है, जो आप लोगों को नहीं बताते हो, सेक्स लाइफ है आपकी, आपकी शादी हो सकती है, आपकी आप सिंगल से मैरिड हो सकते हो, आप कपल रिलेशनशिप में जा सकते हो, लेकिन ये टॉक्सिक हो जाएगा अगर आपने अपने आप को पास्ट वाले रिलेशनशिप से हील नहीं किया है। अगर आपकी डाइवोर्स हुई है, आपकी सेपरेशन हुई है, अपने आप को हील कीजिए उस चीज़ से, ज़रूरी नहीं है कि दोबारा आपके साथ वैसा रिलेशनशिप होगा, या हर कोई आपको वहाँ पर दोबारा चीट करेगा या हील वो करेगा। सो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपने इस साल करनी है, स्पेशली अपने ऊपर फोकस करना है, तभी जाके आपकी लाइफ में हैप्पीनेस ग्रोथ और चेंज आएगी, लेकिन अपने माइंड को आपने पॉजिटिवली ट्रीट करना है, अवेयर लाना है, कॉन्शियस लाइन में, लाइक या आई डिजर्व दिस, आई डिजर्व हैप्पीनेस, आई डिजर्व हैप्पीनेस, आई डिजर्व चेंज, आई डिजर्व ग्रोथ, मुझे ये सब डिजर्व करता है, ये नहीं है कि मेरे अंदर विक्टिम मेंटालिटी है कि ये चीज़ नहीं होगा मेरे साथ, आप ऑलरेडी इमेजिन कर रहे हो तो वही चीज़ ही होगी आपके साथ। सो ये है आज आपकी साल की थीम, ये है आपकी रीडिंग, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, बाय गाइज।